पश्चिम बंगाल में रविवार शाम पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पूछताछ करने गई केंद्रीय एजेंसी सीबीआई के अधिकारियों को ही राज्य पुलिस ने हिरासत में ले लिया। केंद्र और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा होने के बाद सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई ने सोमवार यानी आज इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर दी है। सीबीआई ने आपराधिक अवमानना के तहत कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। सीबीआई ने दावा किया है कि पौंजी घोटाले में उसकी जांच में पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य की पुलिस रोड़े अटका रही है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल सरकार भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। वहीं चिटफंड घोटाले में सीबीआई के कोलकाता पुलिस प्रमुख से पूछताछ करने की कोशिश के खिलाफ धरने पर बैठी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह देश और संविधान बचाने के सत्याग्रह जारी रखेंगी। संविधान बचाओ धरने के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि वह सभी विपक्षी दलों द्वारा एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है और इसे चुनाव आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा। आज राज्य में बजट भी पेश किया जाना है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने ममता को समर्थन दिया है। कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष रखेंगे। हत्या नहीं तो क्या है? और द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म इन द स्टेट ऑफ बंगाल वेस्ट बंगाल हैज कंप्लीटली कोलैप्स्ड एंड देयरफॉर नॉट ओनली दैट द चीफ मिनिस्टर इज सिटिंग ऑन धरना ऑफ द स्ट्रीट एंड हु इज इन द धरना पुलिस ऑफिसर्स डीजी एडीजी पुलिस कमिश्नर इन प्लेन क्लोथ्स दे आर ऑन धरना। धरने पर कौन बैठा है? डीजी एडीजी पुलिस कमिश्नर। क्या सरकारी अधिकारियों को धरने पर बैठना कौन सा नियम है? और मुख्यमंत्री धरना देके बैठे पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, राजदार को बचाने के लिए, जिसे चिटफंड घोटाले के राज मालूम है, द मैन हु नोज टू मच एंड द मैन हु हैज ऑल द सीक्रेट्स ऑफ चिटफंड स्कैम दैट वाज टू बी इंक्वायर्ड बाय सीबीआई एंड देयरफॉर सीएम इज प्रोटेक्टिंग हरसेल्फ एंड द पुलिस ऑफिसर। मुझे आश्चर्य होता है कि वो मोदी सरकार को गाली दे रही कि मोदी सरकार तानाशाह है। तानाशाह तो आप है, ये कोई मोदी सरकार का आदेश नहीं है। सीबीआई को जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2014 को दिया, तब मोदी सरकार नहीं आया था, तब रिजल्ट भी नहीं लगे थे 14 के। The Supreme Court on 10th May 2014 had ordered CBI to inquire the whole scam. And in their judgment, they have said, you have to see the whole scam, unearth the nexus, role of influential people, and also money trail. But ममता जी ने तो सीबीआई को बंगाल में बंद कर लिया। ऐसा देश में कभी नहीं हुआ कि एक राज्य ने सीबीआई को आने को ही मना किया। मोदी जी मुख्यमंत्री थे, उनके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी के तहत कांग्रेस कैसे भी करके उनको जेल में डालना चाहती थी, तब भी मोदी जी ने सीबीआई को मना नहीं किया, उल्टे जांच के सामने गए और जो शुद्ध सोना था वो सोने जैसा निखर कर बाहर आया। लेकिन ये ताकत ममता जी में नहीं है, क्योंकि दाल में कुछ काला है कहते लोग, यहां तो पूरी दाल ही काली है। छुपाना चाहती है और इसलिए ये 40,000 करोड़ का चिटफंड घोटाला है। 20 लाख लोगों के पैसे डूबे हैं, 100 से ज्यादा लोगों ने इस कारण आत्महत्या की है, गरीबों का श्राप है और ये जांच को रोक रही है ममता जी। ममता जी इज ऑन धरना टू सेव हरसेल्फ।
But now she is saving the police commissioner. And what CBI is doing is inquiring a 40,000 crore rupees cheat fund scam in which 25 people have been duped and more than 100 people have committed suicide. They are the helpless poor. Instead of helping them, you want to hide the facts from CBI. Therefore, you have not allowed CBI to operate in Bengal. ये ममता जी की इमरजेंसी है देश में, बंगाल में. हमारी इमरजेंसी नहीं है, ममता जी की इमरजेंसी है. अमित जी की यात्रा, गणतंत्र बचाओ यात्रा को परमिशन नहीं दिया, सभा होने नहीं दे रही है, हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दे रही है. अमित जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, राजनाथ जी का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया, योगी जी का कल नहीं दिया और स्मृति जी का नहीं दिया. और अमित जी के मीटिंग के बाद मीटिंग के लिए जमीन देने वाले जमीन मालिक को और मीटिंग का डेकोरेशन करने वाले स्टेज रचने वाले कारीगर को गिरफ्तार किया. कैन यू बिलीव, लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र देश में इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप शी इज नॉट अलाउिंग ऑपोजिशन पार्टीज टू इवन होल्ड मीटिंग्स, हैज रिफ्यूज परमिशन फॉर गणतंत्र यात्रा, शी हैज रिफ्यूज परमिशन ऑफ लैंडिंग फॉर द हेलीकॉप्टर्स ऑफ अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ एंड स्मृति ईरानी. एंड आफ्टर द अमित शाह सक्सेसफुल मीटिंग शी अरेस्टेड the landowner who gave the land for the meeting and also arrested the decorator who created and built the stage for the meeting. This is nothing but emergency. ये कोई emergency से दूसरा कुछ नहीं है. यहां ग्राम पंचायत, पंचायत और जिला परिषद के 3 times चुनाव हुए. क्या हुआ चुनाव में? उम्मीदवारों को खड़ा रहने नहीं दिया, जो खड़े रहे उनको कैंपेन करने नहीं दिया, जिन्होंने कैंपेन किए वहां पोलिंग नहीं होने दिया, जहां पोलिंग हुआ वहां काउंटिंग होने नहीं दिया, और जहां काउंटिंग में विपक्षी दल जीते वहां रिजल्ट्स लीक किए गए. सो शी कंडक्टेड 3 phase इलेक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद with 5 types of violence. First, she never allowed people to file nominations, never allowed opposition parties to campaign, did not allow opposition voters to vote, and made all cheating in counting, at the same time rigged the results in many cases. And therefore, 34% uncontested seats went to TMC. This is their victory. 34% uncontested in the democracy, this never happens. लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं होता. 34% जगह TMC को इसलिए मिले क्योंकि दूसरे को लड़ने ही नहीं दिया. 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है. इट्स अ state where political murders is the order of the day. More than 100 BJP workers have been killed brutally. And in Purulia, one of our workers was hanged with a board, with placard on his body that you have joined BJP, this is your punishment. जादवगढ़ जी, एक अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा है और दूसरी तरफ से भी इस तरह की आवाज उठ रही है कि प्रेसिडेंट रूल की बात हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा. कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी मांग कर रहे हैं राष्ट्रपति शासन की, और राहुल गांधी
ममता का समर्थन कर रहे। कौन सी कांग्रेस? यह कांग्रेस का ही पिटीशन था, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्हीं का पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया। आज वही पार्टी बदल के राहुल गांधी ममता के समर्थन में खड़ा है। कैसी पार्टी है, कैसी पार्टी है, कैसी पार्टी है?